महिंद्रा शोरूम सुपेला की 90 गाड़ियों को बीएसपी की जमीन पर डंप किया गया था, जिसे बीएसपी प्रबंधन ने सील कर दिया था, जिसके बाद महिंद्रा शोरूम सुपेला के संचालक द्वारा न्यायालय से अपनी गाड़ियों की वापसी की याचिका लगाई गई थी, जिसके फलस्वरूप फैसला आने के बाद बुधवार को महिंद्रा शोरूम सुपेला की गाड़ियों को बीएसपी प्रबंधन द्वारा उनके सुपुर्द कर दिया गया। दरअसल मामला यह है कि भिलाई के ही बशीर अहमद नामक एक व्यक्ति द्वारा बीएम शाह अस्पताल के पीछे की जमीन, जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र की थी, उस पर कब्जा कर लिया गया था और अवैध रूप से उसे महिंद्रा शोरूम सुपेला के संचालक को किराए पर दे दिया गया था, जिसमें महिंद्रा शोरूम के संचालक द्वारा कंपनियों की गाड़ियों को डंप करके रखा गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रवर्तन विभाग ने इसे संज्ञान में लेते हुए अपनी भूमि को अपने कब्जे में लेते हुए सील कर दिया, जिसकी वजह से महिंद्रा शोरूम की गाड़ियां भी अंदर सील हो गई थी, जिसके एवज में महिंद्रा शोरूम के संचालक ने न्यायालय की शरण लेते हुए याचिका लगाई थी और खुद को मासूम बताते हुए अपनी गाड़ियों को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई थी, जिस पर न्यायालय ने फैसला देते हुए बीएसपी प्रबंधन को आदेश दिया कि महिंद्रा शोरूम सुपेला की गाड़ियां जो उनकी भूमि पर सील करके रखी गई हैं, उसे उन्हें सुपुर्द कर दिया जाए। इसी पर बुधवार को भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा महिंद्रा शोरूम सुपेला की गाड़ियों को उनके सुपुर्द कर दिया गया। वहां से गाड़ियां निकलने के बाद शोरूम संचालक ने गाड़ियों को शोरूम के सामने नेशनल हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर के नीचे खड़ा कर दिया है। इन सभी कार्रवाइयों की जानकारी भिलाई इस्पात संयंत्र के जनसंपर्क विभाग द्वारा मीडिया को उपलब्ध कराई गई। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है और इसमें कुछ ऐसे जगह हैं जो अवैध कब्जा के कतिपय लोगों ने किया है, तो ये इस पर कार्रवाई चल रही थी और उसमें एक पता चला कि एक कोई बशीर खान जी हैं, उन्होंने एक बीएसपी के पुराने प्रिंटिंग प्रेस पे कब्जा करके उसको किराए पे गाड़ी चला रहे थे, तो उसको उस पर आज कोर्ट का निर्देश, न्यायालय का निर्देश आया है कि जो शिवनाथ हुंडई की जो गाड़ियां हैं उसमें उनका कोई वो नहीं है, दोष नहीं है और उनकी गाड़ियों को रिहा किया जाए। तो 89 गाड़ियां थी जो सीज की गई थी, उनको आज मतलब छोड़ दिया गया है। आगे अगर बीएसपी की बात करें तो जो कार्रवाई होनी है, बीएसपी अपनी तरफ से किस तरह का पक्ष रखेगी और क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, इसमें बीएसपी तो अपना पक्ष ऑलरेडी रख चुकी है और जिस पे जो दोषी है उस पे ऑलरेडी कार्रवाई कर रही है। चूँकि मामला कोर्ट के हुआ है तो इस पे हमारा ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है, ये कोर्ट ही निर्णय करेगा कि कौन सही है, कोई कौन गलत है। और बीएसपी की ज़मीन है, शासकीय ज़मीन है, उस पे कोई भी निजी व्यक्ति कैसे कब्जा कर सकता है? फिलहाल इस मामले में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन कथित व्यक्ति द्वारा बीएसपी की भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में सख्त रूप अपनाना चाहती है और कानून की मदद लेकर इस मामले में उचित कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।